नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। दिल्ली की नई शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या उनकी होली हिरासत में ही बीतेगी, इस पर आज फैसला आ सकता है। वहीं आज 4 मार्च को दिल्ली की राउस एवियंस कोर्ट में सिसोदिया ने जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, साथ ही सीबीआई ने उन्हें आज कोर्ट में पेश करेगी। सिसोदिया की 5 दिनों की सीबीआई रिमांड आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद नियम के अनुसार आज सीबीआई की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। वहीं सिसोदिया का आगे क्या होगा, इस पर फैसला कोर्ट ही लेगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज यानी शनिवार की दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश होगी। वहीं 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की कस्टडी में भेजा था, जो आज 4 फरवरी को पूरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। शुक्रवार को सिसोदिया ने दिल्ली की राउस एवियंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई कर सकती है। बताते चले कि 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। वहीं 27 फरवरी को उन्हें 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा गया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई सिसोदिया की कस्टडिकल रिमांड की मांग करेगी, जिसमें सीबीआई सूत्रों ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। जांच में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिया गया है। सीबीआई ने तब हटाए गए फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया था। अब FSL ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट किए गए फाइल को बरामद कर लिया है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। वहीं SC ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा था। वहीं 28 फरवरी को कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मुन संघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वहीं मामले में कोर्ट ने फौरन सुनवाई तो की, लेकिन सिसोदिया को राहत नहीं दी। वहीं अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उनके साथ इस्तीफा दे दिया है। वहीं सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई ने मामले में पहले ही 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और वे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने किया है, उसके विषय में मैं आपको बता दूं, बड़े आश्चर्य का विषय है। ये कोई पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइज पॉलिसी और शराब के घोटाले पे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, ऐसा नहीं है। आज से पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंटेड सवाल, वी हैव रेज सर्टन पॉइंटेड क्वेश्चंस ऑफ मिस्टर मनीष सिसोदिया एंड आम आदमी पार्टी रिगार्डिंग द एक्साइज पॉलिसी। वी हैव आस्क्ड देम व्हाई मनीष सिसोदिया अलाउड कार्टलाइजेशन। हमने कुछ 5-6 सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछा है। हमने पूछा था कि आपने एक्साइज पॉलिसी में कार्टलाइजेशन क्यों अलाउ किया, जबकि ये कानून के अंतर्गत अलाउड नहीं है। उत्तर नहीं आया। हमने मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी से पूछा था कि आखिर क्या कारण था कि कानून को ताक पे रख के आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारा और जिसके कारण इतना बड़ा घोटाला हुआ। कोई उत्तर नहीं था। हमने आपसे सवाल पूछा कि आनन फानन देखे बिना, अगल बगल देखे बिना, आनन फानन में आपने एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट के स्वीकार के बावजूद क्यों लॉन्च किया और बाद में इसे क्यों वापस लेना पड़ा? अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो इस पॉलिसी को आपको वापस क्यों लेना पड़ा? कोई उत्तर नहीं। हमने आपसे सवाल पूछा कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ ये माफ क्यों किया, लाइसेंस फी? कोई उत्तर नहीं है। इन सब पॉइंटेड सवालों का कोई उत्तर नहीं है। जो उत्तर दिया जा रहा है, मोदी जी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी बदला लेना चाहती है, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं जी, आपको गर्व होना चाहिए, हमने स्कूल खोल दिया। इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू आंसर्स इन करप्शन केसेस। आप इवेंट मैनेजमेंट करके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जश्न भ्रष्टाचार जीप के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता है। ये दुनिया में जो संदेश आप भेज रहे हैं
कि हमने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया और अब हम हाथ हिलाते हुए जेल जाएंगे और हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कानून का परवाह नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। ये भारत का संविधान नहीं है। भारत का संविधान है कि आप हो भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो, आप हो सकते हैं मुख्यमंत्री हो, आप हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री हो, कानून सबके लिए एक समान है। सबको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए मनीष सिसोदिया जी आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और जनता ने आपसे पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर आप सटीक रूप में सीबीआई को देंगे, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि ये उत्तर ऐसे हैं कि आप कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो जाएंगे। आपने हमें नहीं बताया, मगर ये उत्तर आप सीबीआई को बंद दरवाजे के अंदर देंगे, ये आशा हम करते हैं। और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा, अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी। ये किस प्रकार का भाषा है? अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी? आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी? ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये भाषा उचित नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। कानून अपना काम कर रहा है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया, शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। हर कुछ दिन बाद ये खुद ही जज बन जाया करते थे लोग, और हर कुछ दिन बाद यही जांच एजेंसी बन जाया करते थे। किसी ने सही कहा है कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाती। अभी तो इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी।